तुम सोच भी नहीं सकती हो कि आज मैं कितना खुश हूं। अरे रीटा, मेरे जैसी अच्छी किस्मत कोई ब्लैक मार्केट से खरीद कर भी नहीं ला सकता। हाथ में बेहतरीन शराब का गिलास हो और सामने तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की। आ हा हा हा, कसम से कहता हूं रीटा, बरसों से मैंने तुम्हें सिर्फ अपने ख्वाबों में देखा। अगर और किसी लड़की का ध्यान आता तो उसके ख्याल को फुटबॉल की तरह किक मारकर गेट आउट कर देता। पर रीटा, मैंने कभी अपने ख्वाबों में नहीं सोचा था कि तुम खुद अपनी मर्जी से आज मेरे सामने खड़ी हो, मेरे पास खड़ी हो। अरे तुम लोग क्यों नहीं हो? तो और क्या करूं, सोना चला आ रहा है। क्यों? मैं इस प्यार के लायक नहीं हूँ। कौन साला ये कहता है? मैं साली ये कहती हूँ। ओम के जेल जाते ही मेरे तेवर बदल गए और मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार जागा। मैं एक गिरी हुई औरत हूँ शक्ति। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उठा लूंगा। कैसे? अरे मैं हर रोज वेट लिफ्टिंग करता हूँ और फिर तुम तो फूल जैसी हल्की हो, तुम्हें उठाना क्या मुश्किल है। जरा इसको पकड़ो। ये लो, मैंने तुम्हें उठा लिया, ये तुम्हें घुमा दिया। मैं पूछ रहा हूँ मेरा भाई कहाँ है? मेरे पास है, मौत और जिंदगी के दो राहे पर। अगर तुमने ओम को हवालात से बाहर ना निकाला तो मैं तुम्हारे भाई को मौत के रास्ते पर मोड़ दूंगी। तुम तो मेरे अंदाजे से भी ज्यादा तेज निकली। तो तुमने मेरे भाई के साथ ये इश्क का ड्रामा इसलिए खेला था? हाँ, तुम क्या समझ रहे थे ओम को उस पुलिस वाले के कत्ल के इल्जाम में फांसी चढ़वा कर तुम साफ निकल जाओगे? अगर ओम न छूटा तो अपने भाई का पुरसा आज ही ले लो। ठीक है, ओम से कह दो कि कचहरी के रास्ते में पुलिसमैन को कहीं रुकवा ले, बाकी मैं देख लूंगा। ये कोई नई चाल तो नहीं? चाल तो है।